माता है गौरा, पिता है महेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है महेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से, और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ तो गणेश भगवान के लिए। तो पहले मैं एक माला बनाऊंगी उनके लिए, और कल की जितनी जो पुरानी माला पहनाई है मैंने, मतलब कल जो पहनाया था, वो सब बासी चीजें निकाल के फिर से मैं नया माला वगैरह पहना के उनकी पूजा कर दूंगी। और भोग में मैं एप्पल केला कुछ लगा दूंगी अभी। और अभी उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ माटी के हांडी में दूध का भोग, दूध और चावल से बनाऊंगी। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोग से, फिर मैं हांडी में जो है बनाऊंगी तो आप लोग से शेयर करूंगी। और मैंने पहनी है पूजा वाली साड़ी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हांडी मैं अभी धो लूंगी पहले उसको अच्छे से, क्योंकि कोई भी हांडी अगर बाहर से लाओ तो उसे धो के ही और चूल्हे पे चढ़ानी चाहिए। तो गैस को मैंने अच्छे से पोछ। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें 250 ग्राम यानी 250 चावल लिया है गोविंद भोग वाला, और गुड़ ऐड करेंगे इसमें बस, और कुछ करना नहीं है। इसको सिर्फ दूध में पकाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो अपने घर में अगर लड्डू गोपाल हैं या फिर कोई भी राधा कृष्ण युगल जोड़ी है, आप अगर भोग लगाना चाहो तो इस प्रकार से भोग लगा सकते हो। ये सच में अमृत जैसा टेस्ट आता है इसका, आप ज़रूर ट्राई करना घर में। तो फ्रेंड्स मोदक भी पहले वाले दिन मेरी आंटी ने मोदक बना के दिया था, और आज यहाँ जो बड़े वाले गणपति जी हैं ना वहाँ पर भी भोग बना है, लेकिन वो पूरा भरा हुआ हांडी बना है। ये बस मैं थोड़ा सा बनाई थी क्योंकि मैं हर साल गणपति बप्पा को भोग चढ़ाती हूँ ये वाला, तो एक नया हांडी लाए थे उसी में मैंने ये बनाया था। और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है और चावल भी अच्छे से पक गया है। तो 1 किलो दूध में 250 चावल ही पकेगा अच्छे से, क्योंकि नहीं तो फिर चावल अगर आप दूध कम कर दोगे या फिर दूध कम रहेगा चावल ज़्यादा रहेगा तो चावल सीझेगा नहीं। तो ये देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल और इष्ट देवी साईं बाबा के लिए पहले भोग निकाल लेती हूँ, फिर उन हांडी के सहित गणपति बप्पा को भी भोग चढ़ा देंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाना घर में, ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है पूरा, बहुत ही अच्छा लगता है, क्या बताऊँ आपको। और तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आज जवा फूल का एक माला बनाया था, जवा फूल और गेंदा फूल मिक्स करके। और डेली जो फूल का माला होता है ना, आज तो सेकेंड डे है, तो मैं कल वाला जो गेंदा फूल का माला था वो देखिए वहाँ पे मैंने निकाल के रखा है, और आज फिर से मैंने अपने हाथों से बनाया है ये वाला माला गेंदा फूल और जो लाल जवा फूल होता है। और गणपति पापा को ऐसे भी जवा फूल चढ़ता है, तो दुर्वा भी मैंने ला के चढ़ाया है, और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बाबू खड़ा है तो वो देख रहा है मैं भोग लगा रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स भोग अभी मैं बाबा जी को लगा दूंगी, गणपति बप्पा को। अब सुबह मैंने ऑलरेडी पूजा कर लिया था, पहले देखिए एप्पल वगैरह का भोग लगा दिया था, अभी भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इवनिंग का टाइम है, इवनिंग से फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये स्वीट कॉर्न है, इसमें थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा बीट नमक और नींबू डाल के हस्बैंड को शाम का स्नैक्स दे रही हूं। गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी 4:30 बज रहे हैं, और आज बच्चों के लिए खिचड़ी बन रहा है गणेश पूजा की वजह से, तो वहीं जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ। तो फ्रेंड्स अंकल के घर में सारा जो खिचड़ी का आयोजन हुआ था, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, और थोड़ा सा छोटा सा हम लोग जो है खिचड़ी वगैरह बनाएंगे और सबको मिल के खाएंगे। और गणपति पापा का आज दूसरा दिन है, तो सैटरडे था इसीलिए खिचड़ी सैटरडे को बनाना बहुत अच्छा रहता है, तो इसी वजह से सैटरडे को खिचड़ी बना लिया गया। और हम लोग जो है सब आज खाएंगे यहाँ पे मिलके, और बच्चों को भी खिलाया जाएगा, और संडे को शाम को गणपति जी का विसर्जन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं जब तक आई तो लोग आधा सब्जी कट कर लिया था, अंकल ऑलरेडी टमाटर की चटनी जो है वो भी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पत्ता गोभी वगैरह काट रहे हैं, और यहाँ पे झौड़ी वर्षा बैठी हुई है, झौड़ी उसका नाम अन्वेषा है, सो उसे हम लोग झौड़ी बुलाते हैं प्यार से। तो यहाँ पे आंटी आलू छील रही है, वो लोग सब कट वगैरह कर रहे हैं, और हम लोग भी इधर दोनों बहनें काट रहे थे, और ये लक्की है, लक्की भी पत्ता गोभी वगैरह काट रही है। सब ऐसे ही हम लोग का जो है सब्जी कट वगैरह चल रहा है फ्रेंड्स। तो piece of meat, you're trying out and showing off,
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग का जो सब्जी वगैरह कट हो चुका है, तो और सब्जी के लिए ना, सब्जी बनाने के लिए वो लोग सब्जी लाने के लिए गए हैं, तो उसके बाद फिर जब आएंगे तो फिर कट वगैरह थोड़ा होगा। तो अभी खिचड़ी वगैरह के लिए कट कर लिए हैं, और यहाँ पे लक्की मुँह धो रही थी तो मैं वहाँ पे चली गई, वो तो अंदर घुस गई। और यहाँ पे चलिए आपको बाहर का नज़ारा देखती हूँ। अभी रात नहीं, वो एकदम शाम हो रहा है, और अभी शाम के 4:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा है, यहाँ पे आंटी दादी सब बैठी हुई हैं। तो देखिए दादी वहाँ पे बैठी हुई हैं और वो अकेले बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दादी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए ऊपर में आंटी और श्रुति विष्णु सब खड़ी, वो लोग हाय कर रही हैं। और यहाँ पे अंकल आंटी लोग भी, यहाँ पे गणपति पापा बैठे हुए हैं और बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बारिश थोड़ा हो रहा है ना, इसलिए कोई डांस वगैरह नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सब डीजे वगैरह बजा कर डांस कर रहे थे। और बारिश होने से क्या करते हैं वो लोग, अंदर जाते बाहर आते हैं। और अंकल आंटी हाय कर रहे हैं क्योंकि अगले साल ये लोग चले जाएँगे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना कर रख लेती हूँ ताकि अगले साल हम लोग देख पाएँ। और ये मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर देखिए गणपति पापा बैठे हुए हैं, आप लोग से बातें कर रही थी लेकिन डीजे का आवाज़ आ रहा था इसी वजह से। और ये देखिए मेरे गणपति पापा बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए शाम के अभी 8 बज रहे हैं। खिचड़ी सब्जी चटनी पापड़ बन के रेडी हो चुका है, और सब बच्चे को पहले सबसे पहले बच्चे को बैठाया गया है। और यहाँ पे हस्बैंड छुची आंटी लक्की सब ये लोग खाना दे रहे हैं। और मैं अभी आई थी खिचड़ी दे के गई फिर मोबाइल लाने के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी और मुझे सूट करना था, तो इसी वजह से। और अभी हम लोग सब देंगे, बच्चों को खिलाएंगे, फिर बड़ों को खिलाना है। तो मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड दे दी हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी सबको हम लोग खाना वगैरह खिला देंगे, लास्ट में सबसे लास्ट में हम खाएंगे। तो अभी बच्चे लोग बैठे हुए हैं, अभी बड़े लोग आएंगे खाना खाने के लिए। तो जितने भी बड़े हैं, बड़े पापा चाचा और पापा, उसके बाद भैया लोग सब कोई आएंगे तो फिर वो लोग खाएंगे। तो देखिए वो लोग भी आ चुके हैं, और रात अंधेरा हो चुका था क्योंकि अभी 9 बज रहे होंगे। बच्चे लोग को ही 1 घंटा लग गया खाना खाने के लिए, वो लोग मतलब बकबक बकबक करते करते खाना खाएं वो लोग। और सबसे लास्ट में हम लोग बैठे, अभी आंटी लोग भी खा के चली गई हैं और हम लोग कुछ लोग ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हूँ, पिंकी चाची हैं, जौड़ी दादी भी खा चुकी हैं, और यहाँ पे आंटी उनका भी खाना हो गया है, मम्मी भी खा गई है और मम्मी दाल पी रही है। मतलब एक बच्चे मानस के लिए दाल और चावल लाया गया था क्योंकि वो खिचड़ी नहीं खा रहा था, तो इसी वजह से। ये बड़ी मम्मी हैं, इनको आप पहली बार देख रहे होंगे, और ये मानस है, तो बस ये खिचड़ी नहीं खा रहा है क्योंकि ये गाँव में ही रहते हैं ना, तो इनको खिचड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो नहीं खा रहा था, तो इसके लिए दाल चावल सब्जी वो खाया। तो पूजा हो रही है, देखिए ये फ्रेंड्स संडे का ब्लॉग है, वो सैटरडे का था और ये संडे का। तो यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह हो रहा है, यज्ञ हो रहा है क्योंकि आज गणपति बप्पा का विसर्जन होने वाला है। स्थापन विनियोग ओं अग्निदेवाय ब्रह्माणे नमः। ओं ब्रह्मदारं द्रष्टा नृतिं करिष्यं इसं कृतवान्। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं संगीता आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज है संडे और अभी इवनिंग के 6:30 PM हो रहे हैं, और अभी हम लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करने वाले हैं। तो बस आज आप लोग से एक शेयर करूंगी, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसे हो आप सब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई नहीं है फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा। और जो सब्सक्राइब भी वाले बेल बटन होता है उसको प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिस मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैंने गणपति बप्पा की किस तरह से पूजा की आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इवनिंग की जो है ये संडे का है, तो इवनिंग का जो पूजा होता है विसर्जन वाला वो सब मैंने कर दिया है, और धूना वगैरह दे के सब कुछ वो कंप्लीट मैंने कर दिया है पूजा वगैरह बस। और जितना उनका फूल वूल था वो सभी मैंने एक पॉलीथीन में बांध दिया है ताकि वो फेंक दे,
और आज मैंने क्रीम कलर का जवा फूल और जो सादा वाला फूल होता है टॉगर, उसके एक माला बना के मैंने लड्डू गणपति जी को चढ़ा अर्पण किया था। और यहाँ पे बच्चे लोग अबीर खेला खेल रहे हैं, अंकल भी डांस कर रहे हैं, तो अभी विसर्जन होगा तो बच्चे लोग थोड़ा इन्जॉय करें डीजे फीजे पे, तो देखिए आप इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स अभी देखिए वो घड़ी आ चुकी है जब हम गणपति पप्पा जो को विसर्जन कर रहे थे, तो हस्बैंड का बड़ा मन था लेकिन उनका ड्यूटी था, संडे चालू था तो वो ड्यूटी चले गए हैं। तो बट भगवान की दया देखिए, और वो जैसे ही हम लोग गणपति पप्पा को बाहर लेके गए वो उसी टाइम ड्यूटी से आ गए। तो भक्ति जिसका हो तो वो भगवान खुद ही बुला लेते हैं वैसे ही, तो बस वो आ गए थे। तो भाई जब ड्रेस वगैरह पहन के गणपति बाबा को पकड़े थे तो फिर हस्बैंड ने कहा तो चलो हम तुम लोग के साथ चलते, तो वो साथ में सिर्फ गए थे। और मेरा बेटा जो है ना कान्हा, वो कलश पकड़ा था मेरी आंटी का और हम लोग का भी, और क्योंकि आंटी का भी गणपति जी है, चलिए मैं आपको दिखाऊँगी, उनको भी थाली में बैठा के लेके आए हैं। और ये देखिए दोनों कलश वो पकड़ा हुआ है, कान्हा और भाई अब गणपति जी को बाहर लेके आएगा क्योंकि अब विसर्जन करने का टाइम आ चुका है। तो ये वाला जो घड़ी था ना बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। मन तो था 5 दिन रखने का लेकिन उतना नियम भी तो करना पड़ता है, तो इसी वजह से हम लोग 3 दिन में ही विसर्जन कर दिए। और यहाँ पे देखिए ये है मेरी आंटी का गणपति जी, तो वो भी विसर्जन करने के ले जा रहे हैं। उनका हांडी भी यहाँ रखा, वो भी भोग वगैरह लगाए थे, तो अभी गणपति जी को विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे। और अभी अंधेरा होगा तालाब में, तो थोड़ा मोड़ा जो भी दिखेगा मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। और अंकल लोग सब ड्रेस चेंज करके आए हैं क्योंकि वो लोग सब पानी में, मतलब उनको विसर्जन करेंगे ना तो भीग जाएंगे इसी वजह से। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, मैं मंडे को शेयर करना चाहिए था बट नहीं कर पाई, तो ट्यूसडे को आप लोग को ये लोग तालाब पहुंच चुके हैं। और देखिए हांडी भी लेके गए थे, मेरा वाला ये हांडी है, वो अपना वाला हांडी भूल गए थे, तो वो हांडी फिर बाद में सुबह ले जाके विसर्जन किए। ये मैंने दे दिया था भाई को कि ये भी विसर्जन कर देना, भोग वाला हांडी है। मन था कि रखूँगी इसमें कुछ डिश वगैरह बनाऊँगी, फिर सोची नहीं पूजा वाला है तो विसर्जन कर देना ही अच्छा रहेगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग को ये ब्लॉग, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो अभी पूजा, थोड़ा सा तालाब में भी पूजा किया जाता है, पूजा करने के बाद गणपति जी को विसर्जन किया जाएगा और फिर अगले साल गणपति बप्पा आएंगे ऐसे ही खुशी और सुख समृद्धि लेके। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और अब जो है विसर्जन कर दिया जाएगा, तो देखे और मैं फिर लास्ट में आप लोग से मिलती हूँ।
गणपति बप्पा गणपति बप्पा हो चुका है। और अभी देखिए विसर्जन भी गणपति जी का हो गया। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।